बीएनएस का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया था, मैं अकेला था वहां पर। मैंने कहा था मकाले की रूह या मकाले अपने खबर में खुश हो रहा होगा इस कानून को देखकर। मेरी बात सच साबित हो गई। मुबारकबाद देता हूं यहां की पुलिस को कि मैंने जो पार्लियामेंट में कहा था आपने उसको सच साबित कर दिया। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। बेगम पूछेंगे क्या लेके आए, मैं बोलूंगा देखो ये लेके आया उसको फ्रेम करके रखूंगा घर में। जवानी में तो लव लेटर ना लिखे ना मिला, मगर बुढ़ापे में मिल रहा है। थैंक यू। इसको बोल रहे थे मोदी जी एक है तो सेफ है, उनको नोटिस नहीं दिए, मगर दूल्हे भाई को जी सीएम फडणवीस धर्म यूथ वोट जिहाद उनको तो नोटिस नहीं देते BNSS की, हमको ही देते। अच्छा हैरत की बात यह, मैं पुलिस वालों को भी बोल रहा हूं, जब ये BNSS का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया था, मैं अकेला था वहां पर, तो वाहिद MP था मैं इम्तियाज जलील के साथ जो इस कानून को कहा था ये गलत इस्तेमाल होगा इसका BNSS का। मैंने कहा था कि मकाले की रूह या मकाले अपने खबर में खुश हो रहा होगा इस कानून को देखकर। मेरी बात सच साबित हो गई कि BNSS एक गलत कानून बनाया गया था जिसका इस्तेमाल मैंने पार्लियामेंट में कहा था, इसका इस्तेमाल माइनॉरिटीज पर, दलित्स पर, इंटेलेक्चुअल्स पर होगा जो हुकूमतों के खिलाफ होंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं यहां की पुलिस को कि मैंने जो पार्लियामेंट में कहा था आपने उसको सच साबित कर दिया। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। ये गंदा कानून मोदी ने बनाया BNSS का, किसी को भी ले जाकर 120 दिन का पुलिस कस्टडी दिया जा सकता। मेरी स्पीच है YouTube पर, देख लेना आप। मैं उम्मीद करता हूं कि PI साहब मेरे इस भाषण को ये नहीं बोलेंगे कि दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ रीजन एंड पीस। बहुत अच्छा है, मैं इसको घर को ले जाके जब 18 तारीख को हमारी बीवी से मिलूंगा, हमारी बेगम पूछेंगे क्या लेके आए, मैं बोलूंगा देखो ये लेके आया। उसको फ्रेम करके रखूंगा घर में, ये मेरे लिए मेडल है, तमगा है। जवानी में तो लव लेटर ना लिखे ना मिला, मगर बुढ़ापे में मिल रहा है। थैंक यू। मगर मैं जवान हूं, मेरी दाढ़ी को व्हाइट देख के लोग बोलते व्हाइट हो जा रही बाबू, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, याद रखो। अब दूसरे पूछेंगे मजलिस के मुखालिफिन, बंदर बोला बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाओ कुलाटी मारना नहीं भूलता हूं। तो खैर ये लाइटर वेन में था, दिल पे मत लीजिए, मेरे को बड़ी तकलीफ हुई कि आरओ साहब अगर देते, रिटर्निंग ऑफिसर देते, मगर मेरे को उससे बड़ी तकलीफ ये कि मोदी जी आए थे उनको देना था, उन्होंने नहीं बोले सेफ है, एक है तो सेफ है, किसका मतलब उसका, किसको बोल रहे थे मोदी जी एक है तो सेफ है, उनको नोटिस नहीं दिए मगर दूल्हे भाई को दे दिए। तो खैर आपको अब यकीन तो हो गया ना कि नोटिस किसको मिलती।